बार हो सकता है, यहाँ पे दो मायने निकल सकते हैं कि हो सकता है अमित शाह जी ने अनुप्रिया पटेल जी को बुलाया था या अनुप्रिया पटेल जी खुद गई थी। किसने किसको बुलाया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अमित शाह जी ने बुलाया होगा तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर प्रयागराज और मिर्ज़ापुर वगैरह के एरिया में जो सीटें हैं वहाँ पे हो सकता है कि कुछ एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज लेने के लिए उनको टाई अप की ज़रूरत महसूस हो रही हो। अगर अनुप्रिया पटेल खुद गई होंगी तो उसका एक बड़ा सिंपल सा मायने है कि बीजेपी से अलग हो जाने के बाद अनुप्रिया पटेल जी की या उनके पार्टी की क्या हैसियत रही है उन जगहों पे, उन एरिया पे जहाँ की वो कभी जीतती थी, ये शायद उनको समझ में आ गया हो। तो हो सकता है उनको भी ये लग रहा हो कि बगैर बीजेपी के सहारे के हम वो परफॉर्म न कर पाए, अपना दल वो परफॉर्म न कर पाए। अगर आप खुद जो है अपने तैर करके जो है भवसागर पार नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर ये है कि किसी अच्छे नाविक के नाव पे आप सवार होकर के भवसागर पार कर जाइए। अगर अनुप्रिया पटेल खुद गई होंगी मिलने के लिए तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि चुनावी भवसागर उनको पार करना है, एक अच्छे नाविक और अच्छे नाव की तलाश में वो गई हैं। यूपी वगैरह के इलेक्शन या अपने देश में इलेक्शन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जाति पाति धर्म वगैरह ये सब भी फैक्टर होता है। कितने परसेंट वो इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक को वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड ये फैक्टर होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो है प्रभाव यूपी के चुनाव पे डाला जाएगा। देखना ये है कि किस तरह की प्रोफाइल जितिन प्रसाद जी को दिया जाता है, किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है यूपी चुनाव में। लिमिटेड प्रयोग किया जाता है, मतलब केवल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कुछ दो चार कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक बेल्ट में किया जाता है या पूरे यूपी के इलेक्शन के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। किस पर्टिकुलर पार्ट के लिए उनका पार्ट, मतलब कि किस स्ट्रेटजिक पार्ट के लिए, जो रणनीति होती है उसमें कई फेज होते हैं और कई जो है पार्ट्स होते हैं, तो किस स्ट्रेटजिक पार्ट के लिए जो है उनका प्रयोग किया जाता है ये एक देखने वाली बात है। इनके पास टीम बहुत ज़्यादा है, टैलेंट इनके पास है, पूरी व्यवस्था है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट माइक्रो लेवल का जो होना चाहिए, रिसर्च वगैरह ऑलरेडी इनके चलते रहते हैं, नब्ज वगैरह को ये लोग टटोलते रहते हैं। इनके साथ चलने वाले बहुत सारे संगठन हैं, तो सारे संगठनों को मिला करके और इंटीग्रेटेड वे में टूल्स एंड टेक्निक का प्रयोग करके और फार्मूला भी इंटीग्रेटेड होगा। आप देखिएगा कि जब इलेक्शन आएगा तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र होगा, जो मुद्दे होगा, डेफिनेटली वो एरिया वाइज भी स्पेसिफिक होगा और ओवरऑल यूपी के लिए भी होगा। फार्मूले में दो तीन पार्ट में फार्मूला बटा रहता है, एक तो होता है ओवरऑल स्टेट के लिए, ओवरऑल यूपी के लिए इनके मुद्दे क्या होंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्षेत्र विशेष के लिए मुद्दे क्या होंगे। जैसे पश्चिमांचल के लिए, वेस्टर्न यूपी के लिए अलग मुद्दा होगा। जब ये लोग कैंपेन करने स्टार प्रचारक आएंगे तो वेस्टर्न यूपी में वेस्टर्न यूपी के मुद्दों को हाईलाइट करेंगे, ईस्टर्न यूपी में ईस्टर्न यूपी की जो ज़रूरतें हैं, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की, सेंट्रल यूपी में सेंट्रल यूपी के जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करेंगे। जाहिर है बीजेपी को अपनी जीत के लिए एक मजबूत फॉर्मूला तैयार करना होगा, लेकिन यूपी का और देश का भी इलेक्शन अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि फार्मूला विद इन फार्मूला, यानी माइक्रो लेवल पे आपको देखना पड़ता है कि कहाँ क्या फार्मूला होगा। हो सकता है कि एक एग्जांपल लीजिए कि पूर्वांचल के लिए एक अलग फार्मूला होगा, क्योंकि वहाँ की चुनौतियाँ, वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद अलग है। पूर्वांचल में भी देखा जाए तो हो सकता है गोरखपुर जिले में जितनी सीटें हैं उनके लिए फार्मूला अलग होगा। फर्दर देखा जाए तो एक जिले में जितनी सीटें हैं हर सीट के लिए अलग फार्मूला होता है, हर बूथ के लिए अलग फार्मूला जो है होता है। और बीजेपी के अंदर ये खासियत है, इनके अंदर मैनेजमेंट की और इनके पास जो टीम है वो बड़े माइक्रो लेवल पे जाते हैं। पन्ना प्रमुख वगैरह का कॉन्सेप्ट और बूथ मैनेजमेंट का आपने देखा, तो एक पन्ना प्रमुख के लेवल पे भी जो चुनौतियाँ होती हैं दूसरे पन्ना प्रमुख से बहुत अलग होती हैं। एक बूथ का जो फार्मूला होता है वो दूसरे से अलग होता है। लेकिन एक अगर लाइन में बोला जाए तो यूपी का इलेक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, और इतनी डाइवर्सिटी है यूपी के इलेक्शन में कि कोई भी पार्टी अगर ये सोचे कि हम कोई एक फार्मूला अपना करके जीत जाए तो वो नहीं हो सकता है। प्रयागराज और प्रयागराज यानी गंगा और यमुना के उस तरफ से होते हुए, पार से होते हुए मिर्ज़ापुर वगैरह के, अगर उसमें आप ये देखेंगे तो कुर्मी और पटेल वगैरह का जो ये वोट बैंक है उस पर इन लोगों का काफ़ी प्रभाव है। काफ़ी प्रभाव होने का मतलब ये है कि ठीक है अनुप्रिया पटेल अकेले दम पे तो नहीं जीत सकती हैं, लेकिन जो एडिटिव वोट्स होंगे, अनुप्रिया पटेल का जो अपना वोट बैंक है या इस पार्टी का जो अपना वोट बैंक है वहाँ पे, वो अगर एडिशन बीजेपी को हो जाए या किसी भी पार्टी को हो जाए तो जीतने
जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे लगता है कि अब की बार चुनावी चुनौतियाँ ऐसी हैं कि संभवतः इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि अनुप्रिया पटेल जी को भी साथ लिया जाए। पूर्व कितना इम्पॉर्टेंट है डिपार्टमेंट उनको या विभाग कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मिला कि नहीं मिला, ये चीज़ जो है दिमाग में रख करके कैबिनेट का विस्तार नहीं किया जाएगा। कैबिनेट का अगर विस्तार किया जाएगा तो वो इस चीज़ को रख करके किया जाएगा कि कैसे जो है चुनावी माहौल को अपने फेवर में किया जाए और कौन आदमी या कौन नेता किस तरीके से कारगर हो सकता है, कितना कॉन्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, उसके सारे USPs को, सारे कैरेक्टरिस्टिक को, पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपर्टाइज को देखते हुए उसका कहाँ प्रयोग किया जाए, किस विधानसभा से प्रयोग किया जाए, मास लेवल पे यानी पूरे यूपी के लेवल पे कैसे जो है उसको प्रयोग किया जाए। हो सकता है स्टार प्रचारक के रूप में भी, एक वोटर के एक धड़े को प्रभावित करने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में भी या कुछ और एक्स्ट्रा वजन देते हुए उनको हाईलाइट किया जाए, प्रचार सभाओं में उनको बुलाया जाए, कुछ एक्स्ट्रा उनको प्रिविलेज दिया जाए। तो कैबिनेट का अगर विस्तार होगा और उसमें जितिन प्रसाद को अगर कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो वहाँ पे भी फोकस यही रहेगा कि वोटर्स के पूरे यूपी में एक धड़े को कैसे कन्विंस किया जाए।